हम गूगल में हम यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे हैं तो ये बांग्लादेश दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में खिलाया जाता है, और ये अचानक आप रांची में आप कैसे इनको इंक्लूड किया है एकदम अचानक से? साउथ साइड में थोड़ा अभी इसका ट्रेंडिंग है, चलन है ज्यादा, तो उस साइड से अभी एडॉप्ट करके इसको ले आए हैं। अभी हम इसको ट्राई करने वाले हैं दोस्तों, स्प्रिंग चिप्स, क्योंकि राजधानी में पहली बार हमें इस तरह का खाने को मिल रहा है और हम ये ट्राई करेंगे। एकदम बेहतरीन क्वालिटी का बनाया लग रहा है। दोस्तों आज हम आप सबको एक ऐसे खाने का चीज मैं आप सबको दिखाऊंगा जो कि झारखंड में हमें पहली बार ये देखने को मिल रहा है, आलू का चिप्स जो स्प्रिंग चिप्स नाम से आ रहा है झारखंड में, ये पहली बार को मिलेगा राजधानी रांची, ये पुरुलिया रोड में संत जीवियर कॉलेज के बगल में, लगभग 1 किलोमीटर मान के चलिए, और आपको डंगरा टोली चौक से 500 मीटर की दूरी पर आपको मिलता है। बुक्कड़ से जस्ट सामने 100 मीटर की दूरी पर आपको मिलेगा ये आलू चिप्स, स्प्रिंग चिप्स। और भैया हमारे साथ है जो कि झारखंड में पहली बार इस तरह का खाने को लेकर आ रहा है। बोलते हैं इसको स्प्रिंग पोटैटो बोलते हैं, इसको स्प्रिंग पोटैटो बोलते हैं, ट्विस्टर बोलते हैं, स्पाइरल पोटैटो भी बोलते हैं, और बहुत कुछ आलू का चिप्स भी बोलते हैं। अच्छा, पहले राजधानी में ऐसा हमें नजर नहीं आया, बहुत सारा जगह हमने देखा है ऐसे फूड से रिलेटेड, लेकिन पहली बार ऐसा आपने क्या सोच करके रखा है कि झारखंड के लोगों को आप आलू का स्प्रिंग पोटैटो खिलाने वाले? झारखंड के लोगों को नहीं, मतलब इसको शुरू करने का मेरा मकसद है कि अपने बल पे थोड़ा सा कुछ कर सके, ताकि कुछ पैसा कमा के अपने घर वालों का मदद कर सके। इस एवज में कुछ ऐसा आइटम ढूंढ रहा था ताकि लोगों को अच्छा लगे और कुछ नया लगे, इसीलिए देखे थे कि इसके माध्यम से लोगों को हम नया आइटम टेस्ट करा सके। जब हम गूगल में हम यूट्यूब पे हम सर्च कर रहे हैं तो ये बांग्लादेश दुबई जैसे बड़े बड़े शहरों में खिलाया जाता है, और ये अचानक आप रांची में आप कैसे इनको इंक्लूड किया है एकदम अचानक से? साउथ साइड में थोड़ा अभी इसका ट्रेंडिंग है, चलन है ज्यादा, तो उस साइड से अभी एडॉप्ट करके इसको ले आए हैं। अभी आजकल क्या है, इंटरनेट में बहुत ज्यादा सेंसेशन है, ट्रेंडिंग पे है, ये बहुत जगह देखने को मिलता है, ये तो हम लोग को भी लगा कि हम लोग को ये ट्राई करना चाहिए। ये सब देखते हुए हम लोग इस आइटम को यहाँ पे लेकर आए हैं और आप लोग को यहाँ पे टेस्ट कराते हैं कि कैसा है। कितना प्राइस है इसका? इसका नॉर्मल प्राइस है 30 रुपीज, और 30 रुपये में मिल जाएगा। हाँ, 30 रुपये में मिल जाएगा, एक पूरा मसाला और टमाटो सॉस और मेयोनीज वगैरह सारा उसमें लगा हुआ रहेगा ऊपर से। टाइमिंग क्या है, आप कितना बजे आपका दुकान खुलता है? 4 बजे से 8 बजे तक हमारा टाइमिंग है यहाँ पे। ये एकदम बढ़िया है, एकदम अच्छा तरीका से बना रहा है। क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? यहाँ पे कटलेट मिलेगा, ब्रेड कटलेट है और आलू कटलेट है, चौमिन है, वेज चौमिन है, और स्प्रिंग पोटैटो अभी है, और भी मोमो वगैरह ऐड करने का सोच रहे हैं इस फील्ड में। घर में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है कि आप लोग यार आप लोग आलू का चिप्स बना रहे हैं, इस तरह का घर में नहीं बोलता है? नहीं, शुरू हुआ था, लेकिन अभी घर वाले थोड़ा सपोर्ट करते हैं कि चलो कुछ अपने बल पे कर रहा है, तो चलो देखते हैं, अभी सपोर्ट ही करते हैं ऐसा वाला, तो अभी घर में सबको सपोर्ट करते हैं। मेरा नाम रोहित रंजन तिर्की है। प्रॉपर रांची के हैं आप लोग? नहीं, हम प्रॉपर रांची के नहीं है, मेरा घर डाल्टनगंज है। यहाँ पे हम रांची आए थे पढ़ाई करने के अवज से, और ग्रेजुएशन अभी कम्प्लीट हुआ है, 11th 12th हम रांची से ही किए हैं, और ग्रेजुएशन भी रांची से किए हैं, और उसके बाद में ये सब काम शुरू किए हैं। इसके पहले हम 2-3 बिजनेस एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसमें थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिल पाया, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने पड़ते इस वजह से उसमें सक्सेस नहीं मिल पाया, और अभी इस फील्ड में आया ताकि इसमें थोड़ा धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट चाहता है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इससे पहले जो बिजनेस में था वो पोल्ट्री फार्म था। पोल्ट्री फार्म में क्या है कि एक बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सका, इस वजह से वो बिजनेस मेरा बंद हो गया। मतलब कोई भी छोटा सा हिस्सा को उठाइए, कोई भी छोटा सा पार्ट को उठाइए, ताकि आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ नहीं उठाइए। कभी नॉर्मल सा कहीं काम कीजिए, 10,000 तक जमा कीजिए, 10,000 में बहुत सारा ऐसे स्टार्टअप है जो आप शुरू कर सकते हैं, और मतलब अच्छा खासा एक मुकाम हासिल कर सकते हैं उसमें। तो आप रिसर्च कीजिए, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा वेबसाइट है जो आपको बताएंगे कि 10,000 के अंदर कितने सारे अच्छे अच्छे बिजनेस शुरू हो जाते हैं। ये आलू
कौन सा किस्म का है, कहाँ से आप लोग मंगाते हैं? स्पेशल एकदम बड़ा बड़ा दिख रहा है ये आलू, हम लोग मार्केट से ही लाते हैं, लेकिन मार्केट से लाने में क्या होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, दुकानदार से बहस हो जाती है, तो हम लोग को थोड़ा सा क्योंकि स्पेशल लाल वाला आलू लंबा लंबा आलू चाहिए हम लोग को, और दुकानदार चाहता है कि एक ही बार में पूरा तौल दे, तो हम लोग को वैसे नहीं चलता है, तो कभी कभी हम लोग को एक्स्ट्रा पैसा पे करके आलू लाना पड़ता है। चिप्स क्योंकि हमें नाम भी नहीं मालूम है, माफ कीजिएगा इसके लिए, है ना, क्योंकि राजधानी में पहली बार हमें इस तरह का खाने को मिल रहा है और हम ये ट्राई करेंगे, एकदम बेहतरीन क्वालिटी का बनाया लग रहा है। मस्त चीज है, एकदम स्प्रिंग टोमेटो आप खा रहे हैं।